प्यार करना तो डरना क्या, अगर हम इनसे शादी नहीं करते हैं तो वही करेंगे जो लोग करते हैं, अपना जान दे देते हैं। हमने मोहब्बत की थी, कोई खिलवाड़ नहीं किया था। आप लोग सोच कहना चाहते हैं कि प्यार करना तो डरना क्या, प्यार किए हैं तो साथ जीवन भर निभाए। अब बी ए बी कॉम बी एस सी और एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप 2-9। विजिट टूडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। प्यार करना तो डरना क्या, अगर हम इनसे शादी नहीं करते हैं तो वही करेंगे जो लोग करते हैं, अपना जान दे देते हैं। हमने मोहब्बत की थी, कोई खिलवाड़ नहीं किया था। आप लोग सोच रहे हैं कि हम कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण के टीचर और छात्रा ये बात कह रहे हैं। कहा जाता है कि मोहब्बत जाति धर्म देख कर नहीं बल्कि दो दिलों के मिलन से मोहब्बत होती है। ऐसे ही पश्चिम चंपारण में एक शिक्षक ने कोचिंग की छात्रा की मांग में सिंदूर भरकर शादी रचा ली है। गुरु और शिष्य के अंतरजातीय शादी को देखने के लिए कई लोगों मौके पर पहुंच गए। शिक्षक ब्राह्मण जाति से हैं, जबकि छात्रा महादलित समाज से आती है। बीच समाज के सामने कोचिंग के शिक्षक ने छात्रा की मांग भर दी। ऐसे में एक बार फिर गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता शर्मसार हो गया है। बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण के फुलवरिया पंचायत निवासी युगंदर पांडे के पुत्र साहेब पांडे सिनवरिया में इंजलिजेंट कोचिंग सेंटर चलाता था। मझोलिया प्रखंड के रूलही पंचायत के वार्ड संख्या 5 के रहने वाली दिनेश राम की पुत्री करीना कुमारी उस कोचिंग में पढ़ने जाती थी। कोचिंग में पढ़ाई के क्रम में ही गुरु और शिष्य के बीच प्यार हो गया और प्यार इतना परवाना चढ़ा कि दोनों ने शादी करने के ही ठान ली। फिर क्या था, दोनों ने किसी तरह अपने परिजनों को इस शादी के लिए मनवाया, जिसके बाद बखरिया पंचायत के वार्ड 1 स्थित ब्रह्मस्थान के प्रांगण में अपने अपने परिजनों के साथ पहुंच गए। भगवान को साक्षी मानते हुए शिक्षक ने शिष्य को अपनी पत्नी मान लिया। छात्रा की मांग में सिंदूर डालकर समाज के सामने शिक्षक ने शादी रचा ली। जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया पर चली, वैसे ही आग की तरह ये खबरें फैलने लगी। कुछ लोग इस अंतरजातीय मोहब्बत को सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग शिक्षक और छात्रा की मोहब्बत को लेकर आलोचना भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।